आज भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के बैनर नीचे सैकड़ों किसान नाड्डा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में इकट्ठे होकर धान घोटाले की सीबीआई जांच करो व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गो बैक के नारे लगाते हुए विधानसभा की तरफ कूच किया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी जी कर रहे थे। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद धान घोटाले की सीबीआई जांच करवाओ, जांच कराओ, जांच कराओ, धान घोटाले की सीबीआई जांच करवाओ, जांच कराओ, जांच कराओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज जो है हमारा रोष स्वरूप जो ज्ञापन है, जो हमने माननीय राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन देना था, कोई हमें आज जबरन थाने में बिठा लिया गया है और हमारा पे पानी के फुहारे मारे हैं और बल प्रयोग पुलिस ने किया है, उसके रोष स्वरूप हमने आज किसी को ज्ञापन देने की बजाय ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और रोष स्वरूप थाने के बीच में इस ज्ञापन को आग लगा दी गई है और आगे जो है हमारे प्रदर्शन है वो इसी तरह से प्रदर्शन चलते रहेंगे। हम अब आगे जिला वाइज और हमारा जो पहले से प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है वो करते रहेंगे। आज हमने रोष स्वरूप 20 सेक्टर के थाने में पंचकुला में जहाँ पे हमें पकड़ के गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे आज हमने ज्ञापन को आग लगा दी है रोष स्वरूप। ये ज्ञापन में क्या था, किस लिए ज्ञापन देने आए थे और क्या पूरा मामला था, पूरा बताएं। हमारी दो तरह की मांगे थी। हरियाणा के अंदर जो धान घोटाला हुआ है वो बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है। हरियाणा के अंदर जो कुल पैदावार हुई है वो करीब 25 लाख टन धान की है और जो बिका है वो करीब 69 लाख टन धान हरियाणा में बिका है और बिहार और उत्तर प्रदेश से चावल मंगा के इन्होंने हरियाणा के अंदर खरीद दिखाई है। हमने जो है वो जाली जे फार्म इनके सामने रख दिए हैं, जाली गेट पास इनके सामने रख दिए हैं और हमने आरटीआई में मांग के सबूत इनके आगे इकट्ठे कर दिए कि जिस आरती के पास पूरे साल में कोई फसल नहीं आई उसके पास 15,000 क्विंटल धान आ गया। ऐसे कई केस हैं लेकिन सरकार जो है वो उसको ढक रही है। हम सीबीआई की जांच उससे मांग कर रहे हैं और जो हरियाणा सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के मंत्री यहाँ तक के उप मुख्यमंत्री इस धान घोटाले में हमें शामिल नजर आ रहे हैं, इसलिए सरकार डर रही है सीबीआई से जांच देते हुए। और दूसरा हमारा मुद्दा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप जी हरियाणा भारत में आ रहे हैं और हमें आशंका है कि कई तरह के आयात समझौते कर रहे हैं जिनका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि अगर बाहर से आयात होगा तो हमारे देश का किसान जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और एक मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देशभक्त बने फिरते हैं आज, देखिए उसको क्या देशभक्त कहेंगे जो अपनी धरती माता का पैदा किया हुआ अन्न उसको तो बर्बाद करते हैं, उसको तो खाने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी माता का अमेरिका जैसे देशों का अनाज वो खाने के लिए तैयार हैं। बाबा रामदेव आज हमें नजर नहीं आ रहे, जो कहते थे स्वदेशी का नाम लेते थे, स्वदेशी चीज पैदा हो करो, हमारा स्वदेशी अनाज है, स्वदेशी अनाज को छोड़ के, स्वदेशी दूध को छोड़ के, स्वदेशी सारी चीज को छोड़ के ये बाहर से खाद्य तेल बाहर से मंगा रहे हैं, मक्का बाहर से मंगा रहे हैं, गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं और कितनी चीज दूध और जो है वो कई चीज बाहर से मंगा रहे हैं। तो हमारा जो है वह पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं।
सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 संत चौटाला मुर्दाबाद 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 संत चौटाला मुर्दाबाद 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 घोटाले बाज सरकार मुर्दाबाद 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 घोटाले बाज सरकार मुर्दाबाद 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 नाना शाह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, दुष्यंत चौटाला का आपके प्रोटेस्ट से क्या मतलब है? देखिए, दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री भी हैं। ये विभाग उनके पास है और इस विभाग में घोटाला हुआ है और हमारे बार बार कहने पर भी इसकी जांच नहीं करवाई जा रही है, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि जब से इनके पास ये विभाग आया है तब से ये घोटाला जो है एक सुनियोजित घोटाला हुआ है। बाहर से मंगाने के लिए इन्होंने कई तरह का उसमें जो है वो गड़बड़ी की है। फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर उसको दबाया जा रहा है, जहां से हम जांच शुरू करने की बात कर रहे हैं मंडी से, जो जे फार्म गलत करते हैं, जो वहां पे अनाज नहीं आया और बिका दिखा दिया, उसकी आड़त भी ले ली, मजदूरी भी ले ली, ट्रांसपोर्टेशन भी ले लिया, उसकी कुटाई भी ले ली, वहां से घोटाले की जाँच नहीं की जा रही है। इसलिए हम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि वो जाँच पारदर्शी नहीं कर रहे हैं और बीजेपी जो है खट्टर साहब जो है वो डरते हैं कि उनकी सरकार टूट ना जाएगी, ये घोटाला सीबीआई को जांच इसकी देगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।